हेलो सुपर फ्रेंड्स, आज थानोस इंपरेटिव का एपिसोड 1 है। लेकिन अगर आप में से कोई ये मेरी पहली वीडियो देख रहा है तो उससे मैं कहूंगा कि वो इस स्टोरी को बेहतर समझने के लिए थानोस इंपरेटिव पे बनाया हुआ एपिसोड 0 देख ले, क्योंकि तब आप ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग इस स्टोरी का एपिसोड 0 देख चुके हैं तो बिना देरी किए शुरू करते हैं थानोस इंपरेटिव का एपिसोड 1। आज का एपिसोड शुरू होता है इस इवेंट के 2 साल पहले से, जब एनाइलेशन वॉर चल रही थी और यहाँ पे नोवा स्टारलॉर्ड के पास बैठ के स्पेस में फैले रेडिएशन के बारे में बोल रहा है। तो पीटर कहता है, ये तो वॉर की खूबसूरती है, जब तक सुलगती हुई आग और हवा में राख की महक ना मौजूद हो उसे वॉर नहीं कहते। फिर नोवा कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे डेथ और लाइफ को एक जेल में बंद कर दिया है और जिंदगी हमारे साथ भांगड़ा खेल रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें करंट टाइम दिखाया जाता है, जहां नोवेयर की जेल में थानोस अब आजाद हो चुका था और आजाद होते ही वो सबसे पहले पीटर को पकड़ लेता है। तो स्टारलॉर्ड वहां मौजूद लोगों से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन तभी थानोस के पीछे से एक आवाज आती है और हमें दिखता है रॉकेट रकून, जो कि किसी तरह की एक रोबोटिक आर्मर पहन के थानोस को रोकने आया है। रॉकेट थानोस से पीटर को छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है, ओए बैगनी बिड़ू, मुझे पता है तेरे भेजे में शॉर्ट सर्किट हो रखा है, लेकिन मेरी ये फेसिक गन तेरे थोबड़े को एक ही शॉट में पिघला सकती है। लेकिन थानोस रॉकेट की बात पे ध्यान नहीं देता है। फिर रॉकेट कहता है, मुझे ध्यान से सुनो थानोस, हमारी टेलीपैथी देवी ने तेरे खोपड़ी का पोस्टमार्टम किया है, तो अब तू तैयार हो जा अपनी बिचारी वाली दास्तान सुनने के लिए। तुम हमें रिजेनरेटिव कुकून में पैक मिले थे और हमें ये भी पता है कि तुमने अभी तक अपनी फुल पावर्स गेन नहीं की हैं, इसका मतलब तुम अभी बच्चे हो, इसलिए अभी पीटर को जल्दी छोड़ दो, नहीं तो मैं अपनी गन से तुझे जोर का झटका दे दूंगा। फिर थानोस पीटर को छोड़ देता है, लेकिन तभी मून ड्रैगन, मेंटिस और कॉस्मो ये तीनों मिलके थानोस के माइंड को अपनी टेलीपैथी पावर से फिर से रिस्टोर कर देते हैं। और ये देखकर पीटर और रॉकेट खुश हो ही रहे थे कि तभी उन्हें गमोरा का मैसेज मिलता है। गमोरा बताती है, उसे क्री और शियार एम्पायर से 8x8 लेवल का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्री वॉरशिप दिखाई जाती है, जहां से मेड्यूसा यूनिवर्स में सभी मौजूद प्लेनेट पे लेवल 8x8 का इमरजेंसी सिग्नल भेज रही थी। और साथ ही में वो सबसे मदद मांगते हुए बोलती है, एडम मैगस ने द फॉल्ट में एक बड़ा सा धमाका कर दिया है, जिस वजह से अब कैंसर वर्स के क्रिएचर इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और साथ ही में हमें दिखता है कि ऐसे कई सारे क्री वॉरशिप अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर हमें दिखता है रोनन, जो कि तबाह हो रहे वॉरशिप के बारे में बहुत परेशान है। क्वीन मेड्यूसा भी ग्लेडिएटर से उसकी कंडीशन पूछती है, जिस पे ग्लेडिएटर जवाब देता है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, उनकी शील्ड सब काम नहीं कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी सी चीज उनकी ही तरफ आ रही है। और हमें दिखते हैं कैंसर वर्स के बग्स, जो कि दिखने में बहुत ही बड़े और खतरनाक हैं। फिर ग्लैडिएटर भी उन बग्स पे अटैक करते हुए इंपीरियर गार्ड से उनको दूर रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद हिसार और स्मैशर मिलकर उन बग्स पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनके अटैक से उन बग्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इधर क्रीज शिप में मेड्यूसा स्क्रीन पे उन क्रिएचर्स को देख के बोलती है, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये हमारे इस यूनिवर्स का नामो निशान मिटा देंगे। और देखते ही देखते वो बग आर्मी अब क्री स्पेस शिप के उस हॉल तक पहुंच चुकी थी, जहां से मेड्यूसा और बाकी लोग अपने शिप्स को कमांड दे रहे थे, जिसके बाद क्री लोग अपने कुछ शिप्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे सेट कर देते हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता इस ब्लास्ट से उस बग आर्मी की वेव को खत्म किया जा सके। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि सिल्वर सर्फर भी इसको बहुत दूर से देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड मार्वल और इविल कोजार बात कर रहे हैं। इविल कोजार बताता है, उसकी पहले बग आर्मी की वेव फेल हो गई है। तो लॉर्ड मार्वल कहता है, ये सब उस मेगस के फेल हो जाने की वजह से हो रहा है, इस यूनिवर्स में डेथ अभी भी एग्जिस्ट करती है। फिर लॉर्ड मार्वल कोजार से उसके सबसे पावरफुल लोगों को इकट्ठा करके उन्हें मेगस का काम सौंपता है, जिसपे कोजार कहता है, हमारे रिवेंजर्स इस काम के लिए तैयार हैं। फिर तब हम देखते हैं रिवेंजर्स, जो कि इस यूनिवर्स के एवेंजर्स की तरह हैं, लेकिन ये पूरी तरह से करप्ट हैं और लॉर्ड मार्वल के इशारों पे काम करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोवेयर में थानोस और गार्जियंस दिखाए जाते हैं। मेजर विक्ट्री बोलता है, थानोस अचानक से ही किसी वजह से कैसे जग गया, कहीं इसका रीजन फॉल्ट तो नहीं है। मेंटिस बोलती है, मैं इसके माइंड में झांकने की कोशिश कर रही हूँ बट देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन तभी मेजर विक्ट्री गुस्सा जाता है और बोलता है,
मुझे कोई परवाह नहीं है थैनोस की। यहाँ हमारी यूनिवर्स विनाश के कगार पर खड़ी है और तुम सब इस थैनोस को लेके सोचने में लगे हो। इस टाइम पे हम सबको द फॉल्ट पे चल के वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। तो स्टार लॉर्ड कहता है, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद पीटर बोलता है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? जब क्वेजार उस फॉल्ट में गया था तो उसने बताया था कि फॉल्ट के उस तरफ एक दूसरा यूनिवर्स भी मौजूद है जिसे उसने कैंसर वर्स बताया था, जो कि बहुत खतरनाक है। तो मून ड्रैगन कहती है, तुम वो बिल्कुल नहीं करोगे जो सोच रहे हो। रॉकेट कहता है, क्वेजार ने यह भी बताया था कि उस यूनिवर्स में डेथ हार चुकी है और अब वो यूनिवर्स पूरी तरह से डेथलेस है। तभी पीछे से थैनोस कहता है, उन्हें अभी वो चाहिए जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है, यानी कि मैं। तो स्टार लॉर्ड कहता है, पहली बार मैं इस बैगन की बात से सहमत हूँ। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नोवा कॉर्प दिखाई जाती है। और अब आप सोचेंगे कि एनाइलेशन इवेंट में ज़ेंडार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था तो नोवा कॉर्प कैसे आ गई? तो होता यूं है कि एनाइलेशन के इवेंट के बाद गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमें पता चलता है कि कुछ ज़ेंडारियन लोग किसी और प्लैनेट पर मौजूद थे जो कि बच गए थे, जिनके नाम है रॉबी राइडर, ईरानी रैल और क्यूबिट, और साथ ही में है नमोरिता जो कि गर्लफ्रेंड है रिचर्ड राइडर की। और ये लोग भी इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद द फॉल्ट पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से बचे हुए बग आर्मी ने उन पे भी हमला कर दिया था। लेकिन तभी वहां पे नोवा और क्वेजार आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही वो बग आर्मी पे अटैक करने लगते हैं। नोवा नमोरिता से उसका हाल पूछता है। वर्ल्ड माइंड बताता है कोई उनकी तरफ ही आ रहा है और तभी वहां पे आ जाते हैं रिवेंजर्स। फिर रिवेंजर्स मिलकर नोवा और उसके साथियों पे अटैक करने लगते हैं। क्वेजार कहता है, ये लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपने रिवेंजर्स से बोलते हैं, उस लड़की को अपने साथ ले चलो। तो तभी एक बग नमोरिता को पकड़ लेता है और रिवेंजर्स नमोरिता को लेके वहां से चले जाते हैं। नोवा उन बग्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है, जिसके बाद वो पछताते हुए वहीं जमीन पे बैठ जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नोवेयर ले जाया जाता है, जहां थैनोस एक मशीन पे काम करते हुए बोलता है, तुम लोग ने पहले ही उस दूसरे यूनिवर्स का कोऑर्डिनेट सेट कर दिया है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है, हाँ, क्योंकि हमें उस यूनिवर्स में जाके एक बार देखना चाहिए कि वहां हो क्या रहा है। तो तुम सब लोग अब रेडी हो जाओ। लेकिन पीछे से आवाज आती है, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और हमें दिखता है ड्रैक्स, जो कि सूट बूट पहन के पूरी तरह से रेडी है। गमोरा पूछती है, अब आखिर तुम ये सूट बूट पहन के किस लिए तैयार हो गए हो? तो ड्रैक्स जवाब देता है कि ये बैगनी थैनोस जहाँ कहीं भी जाएगा मैं इसके साथ चलूंगा। तो थैनोस ड्रैक्स के पास आके उसको थैंक यू बोलता है और कहता है, काश तुम्हारी मेहनत मुझे हमेशा के लिए मार सकती। तो ड्रैक्स भी कहता है, एक और चांस हमेशा मिलता है। तो थैनोस कहता है, ये सच नहीं है और ये बात तुम भी जानते हो। तभी रॉकेट कहता है, ऑल राइट, अब यहाँ से कल्टी होने का वक्त हो गया है। और वो सभी लोग वहाँ से दूसरे यूनिवर्स यानी कि कैंसर वर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुँच के स्टार लॉर्ड उन सबको सावधान रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ थैनोस बेहोश होकर गिर जाता है। तो मेंटिस पीटर से कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ लाइफ डेथ से ज्यादा पावरफुल है। मेंटिस कहती है, थैनोस शट डाउन हो गया है। लेकिन गमोरा सामने कुछ देख के कहती है, यहाँ उससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे आ चुके हैं इविल एवेंजर्स यानी कि मल्टीवर्स के रिवेंजर्स, और इन्हें डिफेंडर्स भी कहा जाता है, और ये देखने में और पावर्स में हमारे यूनिवर्स के एवेंजर्स से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा डिफेंडर्स ऑफ द रियल्म में। तो गाइज, आप इस अमेजिंग कॉमिक बुक से जुड़े रहिए और कॉमिक्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। Dream.